हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूँ रश्मि सचान और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ हमें ज़रूरत होगी कुछ भुने हुए चने की तो यह, यह, यह चने मैंने घर पर ही भुने हैं बिना रेत या बालू के आप भी ये चने घर पे भून सकते हैं इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी या अभी आप ऊपर आई बटन में देखेंगे तो वहाँ भी आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा वहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं कि ये बाजार के जैसे एकदम मुलायम चने कैसे भून सकते हैं हम तो हमें चाहिए होगा कुछ चना अब हमने यहाँ पर लिया हुआ है हरी मिर्च हरी मिर्च बहुत ही बढ़िया तीखापन देगी साथ ही साथ पिसी मिर्च की बजाय हरी मिर्च का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसे हम बिल्कुल बारीक चॉप करेंगे और आज जो हम ये बनाने जा रहे हैं चना की भेल ये बहुत हेल्दी तो होती है जैसा कि आप जानते ही हैं भुना हुआ चना जो कि हमने बिना रेतिया बालू के भुना है यानी कि ये तेल में नहीं भुना गया है ड्राई रोस्टेड है तो ये कितना हेल्दी होता है और ये गर्मियों के टाइम में बहुत पसंद किया जाता है देसी स्टाइल में हमारे इंडियन स्टाइल में है तो मैंने काट लिया है हरी मिर्च और अब मैं इसके साथ ही साथ प्याज काट रही हूँ प्याज आप जैसा कि जानते हैं गर्मियों में जितना चना अच्छा लगता है वैसे ही कच्चा प्याज़ भी बहुत ही पसंद किया जाता है हेल्दी भी बहुत होता है कच्चा प्याज लू वग़ैरह से बचाता है और इसमें फ़ाइबर भी बहुत होता है अब हम इसे भी बारीक चॉप करेंगे आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा ये देहात स्टाइल में ज़रूर हो सकता है क्योंकि इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं है और ये हम बचपन में मैंने खाया था अपने गांव में तो वही मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करती हूँ एक आइडिया है बस और इस रेसिपी में कोई भी ज़्यादा कठिन या मुश्किल बात नहीं है आप बना कर के देखिएगा खा करके देखिएगा बहुत ही अच्छा लगेगा आपको बहुत पसंद आएगा सारा प्याज मैं काट करके तैयार करती हूँ मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा प्याज डालूँगी तो देखिए मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया हुआ था अब हम ये जो हमने बोल लिया हुआ है जिसमें हमारे चने हैं इसमें हम प्याज़ डाल देंगे और हम हरी मिर्च भी डाल देंगे आप इसके साथ साथ में अगर कोई और भी चीज़ जैसे टमाटर वगैरह भी पसंद करते हैं खीरा वगैरह तो वो भी आप डाल सकते हैं छोटा छोटा काट करके अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता है क्योंकि भुने हुए चने में ज़्यादा नमक नहीं अच्छा लगता अब इसमें जो मैजिक इन्ग्रीडियंट है वो है सरसों का कच्चा तेल यानी कि तेल को पकाना नहीं है आधा चम्मच से भी कम सरसों का तेल हम इसमें डाल देंगे इसके बाद में हम इसे मिक्स करेंगे इसे आधा मिनट तक हमें मिक्स करना है जिससे कि जो तेल है सरसों का वो एक एक चने में अच्छी तरह से लगना चाहिए जैसा कि मैंने बताया इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट भी आप अपने हिसाब से या घटा सकते हैं तो देखिए ये मिक्स हो गया है और ये दिखने में जितना सिंपल है खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी होता है और अब ये खाने के लिए आपकी जो चना भेल है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर पर बहुत ही हेल्दी है और बहुत टेस्टी है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद